दोस्तों सबसे पहले तो आप इमेजिन करो कि आप एक जवान लड़की के साथ किसी बाथरूम में फंस जाएं और वहां पर आपको घंटों बिताने पड़ जाएं। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम मिगुल नाम के एक ठरकी आदमी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मिगुल पेशे से तो एक राइटर है और वो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइट करता है। कुछ देर बाद मिगुल के पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला है। अब क्योंकि एंजेला एक जर्नलिस्ट है और वो मिगुल के ऊपर एक एस्से लिखना चाहती है क्योंकि मिगुल बहुत ही फेमस राइटर है। अब ये दोनों काफी टाइम तक अपनी बातें करते हैं और हमें मिगुल की बातों से पता लगता है कि मिगुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, यानी कि वो अपने मन में कोई भी बात नहीं रखता, सीधा कह देता है। इसके बाद एंजेला मिगुल को अपने कुछ निबंध दिखाती है जो कि मिगुल को कुछ खास पसंद नहीं आते, जिन्हें देखकर मिगुल कहता है कि तुम्हारे ऐसे कुछ ज्यादा बड़े हैं और मेरे हिसाब से इनमें कुछ सुधार करके इन्हें छोटा कर देना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें एक यूनिक राइट स्टाइल चूज करना होगा जो कि किसी की कॉपी होनी चाहिए। असल में एंजेला ने अपने कॉलेज में राइटिंग स्किल को स्किप कर दिया था और यहाँ पर बातें करते समय मिगुल एंजेला को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद वो एंजेला को वहाँ पड़े एक कोट में से चाबी निकालने को कहता है। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि ये चाबी मेरे एक पेंटर दोस्त लुइस के घर की है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर घर से बाहर गया हुआ है। असल में मिगुल एंजेला को अपने साथ उस घर में ले जाना चाहता था। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि इंटरव्यू लेते समय हमारे बीच किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्ट नहीं आना चाहिए। और फिर एंजेला मिगुल के साथ लुइस के घर पर चली जाती है और यहाँ पर लुइस की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने लगती है। यहाँ पर मिगुल एंजेला से कहता है कि मुझे पेंटिंग्स करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप इसे फिजिकली महसूस कर सकते हैं। इसके बाद मिगुल एंजेला के करीब आता है और उसे किस करता है। बाद में वो कहता है कि मुझे किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसके बाद वो एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है और साथ ही वो एंजेला से कहता है कि वो मेरे ऊपर ऐसे लिखना चाहती है तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एंजेला उसकी बात को इनकार करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद एंजेला का माइंड चेंज होता है और वो वापस आ जाती है और अपने कपड़े भी उतार देती है। इसके बाद मिगुल एंजेला के नजदीक आ जाता है और वहाँ पर रखे पेंटिंग कलर से उसकी बॉडी पर ड्रॉ करने की कोशिश करता है। इसके बाद एंजेला नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और मिगुल भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ जाता है और अंदर से बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद मिगुल एंजेला के साथ नहाने लगता है। इसके बाद एंजेला उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि ये सब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब एंजेला दरवाजा खोलती है तब दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खराब हो गया था और वो फंस गया था। जिसके बाद मिगुल भी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद एंजेला खिड़की की मदद से बाहर किसी को आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन मिगुल एंजेला को ऐसा करने से रोकता है। वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों को यहाँ पर किसी ने एक साथ देख लिया तो हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इसके बाद मिगुल अपनी वाइफ और एंजेला अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है और फिर बाद में मिगुल भी खिड़की के बाहर आवाज देता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ पर मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तब एंजेला उससे कहती है कि मेरे फादर मिलिट्री में है और जब वो उसे अपने फादर का नाम बताती है तब मिगुल को पता चलता है कि वो उसके फादर को पहले से ही जानता है, साथ ही वो एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता है। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं तुम्हारी बहन को लाइक भी किया करता था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो कहता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे डैड की कभी भी आपस में नहीं बनती थी और वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई किया करते थे। ये सुनकर एंजेला मिगुल से कहती है कि वो दोनों अभी भी ऐसे ही है और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर लिया था। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बड़ी बहन को ये पता चला कि हम दोनों साथ में इस तरह से बंद है तो पता नहीं वो क्या करेगी क्योंकि एंजेला की सिस्टर एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। इसके बाद एंजेला उससे कहती है कि मेरी बहन को लगता है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो और तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। इस पर मिगुल उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरा इंटरव्यू ले रही हो। इसके बाद मिगुल एंजेला के नजदीक आने की कोशिश करता है लेकिन एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो हमारी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन मिगुल को इस बात से बुरा लगता है क्योंकि जो कुछ भी वो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है और ऐसे में कौन यंग लड़की उसके पास आना चाहेगी। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि अगर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ लेकिन बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसके बाद एंजेला मिगुल के करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अब इंटीमेट होने के बाद एंजेला को बहुत भूख लगने लगती है। इसके बाद मिगुल उससे कहता है कि मूवी में लोगों को खाते हुए देख मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक एक्शन मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था और ये सीन मिगुल को बिल्कुल रियल लगता है। और राइटिंग भी इसी तरह से लिखी जानी चाहिए, क्योंकि स्टोरी जितनी ज्यादा रियल लिखोगे लोगों को उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मिगुल की बातें अच्छी नहीं थी और वो एंजेला से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और एंजेला को ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मानो मिगुल उसे डांटने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एंजेला मिगुल से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम क्या मुझे ऐसे डांटोगे। और एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद मिगुल फिर से उसे खिड़की के बाहर आवाज लगाने को कहता है, लेकिन अभी भी खिड़की के बाहर कोई नहीं था। इसके बाद मिगुल एंजेला से कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी। अब ये सुनकर एंजेला काफी हैरान होती है कि हम मूवी कैसे देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मिगुल उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक परिवार था जिसमें एक लड़का और उसके मॉम डैड थे, और एक दिन अचानक से उस लड़के ने बेड से उठना बंद कर दिया। हालांकि वो लड़का एकदम बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके बाद उसके मॉम डैड उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो लड़का फिर भी अपने बेड से उठने को मना कर देता है। और कुछ दिनों बाद उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे, इसीलिए वो लड़का अपने घर से चला जाता है। और जब उसके मॉम डैड घर वापस आते हैं तो वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उसके कहीं भी ना मिलने पर उसकी मॉम बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि उन्हें उसका अपाहिजों की तरह बिस्तर पर पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसा ही कुछ आज हमारे बीच में हुआ है। अब इस पर हमें गिल्टी तो फील हुआ, लेकिन हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तभी बाहर से मिगुल को किसी की आवाज सुनाई देती है, और मिगुल खिड़की के बाहर उस आदमी से अपने दोस्त लुईस को कॉल करने को बोलता है। थोड़ी देर में मिगुल का फ्रेंड लुईस वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकाल लेता है। बाहर आने के बाद एंजेला मिगुल से कहती है कि हमारे बीच आज जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ एक इंसिडेंट था। और इतना कहने के बाद एंजेला वापस अपने घर चली जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।